नक्शे कदम पे आने वाले। शादी ब्याह के अंदर जो नंगा नाच नाचा जाता है रचा जाता है इससे दूर हो जाए। शादी बहुत महबूब काम है, बहुत पसंदीदा काम है। और इसे रसूल है कि बंदा निकाह कर लेता है तो इसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। जब तक निकाह नहीं करता उसका ईमान कमजोर रहता, बंदे का ईमान कमजोर रहता है जब तक निकाह नहीं करता। और जब निकाह कर लेता है पूरा ईमान वाला हो जाता है, मुकम्मल ईमान वाला हो जाता है। मगर आज देखने में ही आता है कि निकाह के बाद भी शादी शुदा लोग बुराइयों से गंदे कामों से बाज नहीं आते। उसकी वजह मालूम है क्या? उसकी सिर्फ वजह एक है। कहावत सुनते होंगे मशहूर है कि जैसा बीज डालोगे वैसा ही उसका समरा उसका फल उसका नतीजा पाओगे। अगर आप किसी काम की शुरुआत अच्छाई से करोगे तो जब तक वो तुम्हारा काम चलेगा इंशाअल्लाह उसकी अच्छाई अच्छा होता रहेगा। और अगर किसी काम की बुनियाद किसी काम का आगाज आपने बुराइयों के साथ किया, किसी काम का आगाज किसी फेल की शुरुआत अगर आपने बुराइयों के साथ की तो ये सोच लेना कि तुम्हारे साथ भी बुरा होता रहेगा। निकाह इतना आसान काम और पसंदीदा काम है कि जिसकी तारीफ अल्लाह के रसूल ने फरमाई, सहाबा ने फरमाई कि इससे ईमान मुकम्मल हो जाता है। मगर आज हमने निकाह को शादी ब्याह को बहुत भारी कर दिया। और दूसरी बात यह है कि एक अच्छे काम के लिए न जाने हम कितने बुरे कामों को अंजाम देते। शादी ब्याह कुछ दिनों से डीजे वीजे बंद हो गया तो देखा यह जाता है कि इस दिन मंडा होता क्या होता, मंडिया क्या बोलते, आना आना खा लेते लड़के, उसके बाद रात भर गाने बजाते नाचते। ये बातें मैं इसलिए आज बोल रहा हूं, कुछ शादियां अभी होने वाली हैं, इस महीने में कुछ शादियां होंगी। अभी रब्बर शरीफ में कुछ शादियां हुई थी तो तबाह करके रख दिया था पूरे गांव को, ऐसा नाच गाना हुआ था। तो अच्छा काम करिए, कम से कम उसमें तो बुराइयां ना करें। निकाह इबादत है, ये भी अच्छा काम है, अफजल काम है। नफल नमाज से बेहतर निकाह करना, नफल नमाज से बेहतर निकाह के काम में मसरूफ होना है। निकाह इतना पसंदीदा काम है, अच्छा काम है, अच्छे काम में तो नाच गाना बुराइयां मत करो ताकि तुम्हारी औलाद आए बुरा असर न पड़े। अगर बुराइयों के साथ निकाह पूरी करेगा तो फिर बाद में रोते क्यों हो कि बीवी माँ से अलग हो रही, माँ बीवी से अलग हो रही, बीवी भाव में बन नहीं रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये बात से रोए रहे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छाई के साथ अगर किसी काम को अंजाम दोगे अच्छा होगा, चाहे निकाह हो, नमाज हो, ज़कात हो, सदका हो, खैरात का कोई भी काम हो, किसी काम की शुरुआत अगर अच्छाई से करोगे, अल्लाह की हमदसर से करोगे, सरकार की नाज से करोगे, औलिया कराम की तारीफ तौसीफ से करोगे तो इंशाअल्लाह जब तक चलोगे तुम्हारी नस्लें आएंगी उनके साथ भी अच्छा होता रहेगा, वो फैजियात होते रहेंगे अल्लाह उसके रसूल उसके महबूब के फिर से बर्दाश्त। और अगर दुनिया बुराई से करोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे नस्लों के साथ बुरा होता रहेगा। लिहाजा बाज आ जाओ बुराइयों से। अगर खून नहीं समा रहा है तो कब्रिस्तान में जाके चक्कर लगा लिया करो, अच्छे अच्छे वार्ड अपने बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े ताकतवर, अगर जवानी का खून समाता ना हो तो कब्रिस्तान में जाके चक्कर लगा लेना और सोच लेना कि यहाँ कैसे कैसे लोग दफन हो। जब सोचोगे यहाँ वो भी दफन है, यहाँ वो भी दफन है, ऐसा भी दफन है, वैसा भी दफन है, तो अल्लाह तबारक व तआला शायद तुम्हारे दिल में इस इबरत को डाल दे कि तुम बुरे कामों से बाज आओ। जवानी चंद दिनों की होती है, इसकी इतराना मत। अगर काम
चलना है जवानी वाले अच्छे काम करो, नाच गानों से बाज आ जाओ। जिनके घर में शादी होती है कहते फला नहीं माना, फला नहीं माना, उसने करवाया उसने करवाया, सवाल सबसे होगा। इतना ख्याल रखना, चाहे फला करवाए, एक बात ध्यान में रख लीजिए, बुरा काम करने के लिए अगर माँ बाप भी कहे, माँ और बाप बुरा काम करने के लिए अगर माँ बाप भी कहे तो उनकी बात भी नहीं मानी जाएगी। फिर तुम्हारे दोस्त हैसियत के, अरे वो दोस्त ही नहीं है, बुरे काम करवा रहे, दुश्मन है तुम्हारा, शैतान है, तो शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। पुराने मरीज में जा बजे इस बात का बयान करवा दिया गया है, जो दोस्त उनसे बुराइयां निकाल रहा है वो जहन्नम में ले जा रहा है, जो जहन्नम में ले जा रहा है वो शैतान है, शैतान का चेला है, तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम कैसे उसके बात मान लेते हो कि तुम्हें जहन्नम के काम को जहन्नम में ले जाने वाले काम करवा रहा, तुम कर रहे हो, जब बुरे काम करने की इजाजत है तो तुम्हारे माँ बाप भी कहीं करती नहीं है, कि तुम्हारे जो नाम के यार है दोस्त है उनके कहने पर तुम कैसे बुरे काम कर रहे हो, तो उसने करवाया उसने करवाया, बंद बन के बिल्कुल सब ये जाने। अल्लाह के रसूल ने जो हमें आका मसाइल बताए उनके मुताबिक अपने घरों के रस्म रवाज को बना ले, वैसे ही सरकार करे ताकि अच्छा हो आपके साथ और आपके आने वाले नस्लों के साथ। अगर ऐसा करोगे दुनिया में कामयाब होगा, तुम्हारी नस्लें कामयाब हो कामराम होगी, बुराइयां करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम्हारी नस्लों के साथ बुरा होगा, और आखिरत में भी तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार किए जाओगे। लिहाजा अल्लाह रसूल का वास्ता है बुरे कामों को अच्छे कामों में लेकर बिल्कुल न आए और बुरे कामों से भी दूर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे कामों की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे और नेक काम करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, तमाम बुरे कामों से हमें दूर फरमाए, हमसे वो काम ले अल्लाह जिससे अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए, शैतान की इत्तबा से उसके बहकावे में आने से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज व मामून फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।